बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। जय हिंद, जय हिंद। सबका आना जाना बंद। क्या वो अंदर आ चुके हैं रे? नो सर, हमारा टीवी सेक्शन के अंदर तो कोई नहीं आया है, सब अपना ही आदमी है। कैदियों को सेक्शन लगाओ जल्दी से। ओके सर। ध्यान से देखो, हिंदुस्तानी फौजें अंदर आ चुकी हैं। क्या? जय हिंद। Dr. Lang landing here. Landing with the helicopter. Unit number 7 officers. Dr. Lang ke swagat mein khade honge. Unit 3. Unit 3 officers. Dr. Lang ke saath security guards bankar jayenge. 12 number 37. Officers of Unit 3 will move with Dr. Tang. Yahan se thodi duri par hai ye Red Tower, jisme itna barood bhara hua hai कि बीएसओ वाले 16 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग खत्म, बीएसओ खत्म। ओह हेल, व्हाट इज इट? आप इतनी बियर क्यों पी लेते हैं कि आप गिर जाते हैं? यू शट अप। क्या हुआ? यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। मैंने रेड टावर डिवीजन नंबर 2 में खबर कर दी है। क्योंकि यहाँ पर सुरंग का काम चल रहा है, इसलिए बिजली अक्सर चली जाती है। ये कोहिनूर का हीरा कहां छुपा के रखा था तुमने? गोलियां साले के सीने में। गोली मत चलाओ। इसके दो साथियों को भी ढूंढना है हमें। पुकारो, अपने साथियों को पुकारो। पुकारो? हां पुकारो। साथियों, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा, एक कैदी हूं जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर की ली है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सरजमी पर ले जाएगा। और आज उस शपथ के नाम पर मेरे खून का एक कतरा मरते दम तक यही आवाज देगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नहीं खैरू भाई, नहीं। ओ, खैरुद्दीन किश्ती। हाँ, खैरुद्दीन किश्ती।
एक्शन। यस सर, पांच तक गिनो, ज्यादा इंतजार नहीं। वन टू थ्री फोर। पांच छह सात आठ। चलो भाई सरकार, मैं आ रहा हूं। अरे अरे मेरे भाई मेरे बाप, ऐसा नहीं करना। मैं तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर लिया था। अरे भाई साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा घटिया सा आदमी हूँ। ये साले हराम के जने मुझे बहका कर लिया ले। जॉनी, अरे फाड़ में गया जॉनी, और फाड़ में गया तू। कह रिया था सिपाही सिपाही खेलते, अरे मुझे नहीं बनना सिपाही। ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी वर्दी। अरे मैं कसम खा रही हूँ टैंक साहब, कसम खा रही हूँ। कसम है आपकी माँ की, आपकी बहन की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपने गाँव भेज दीजिए, मैं बहुत खुश था। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे अपने गाँव भेज दीजिए। इन्हें मार दीजिए सरकार, मगर मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ो मेरा पाँव। अरे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा, मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे मरने से बहुत डर लग गया सरकार। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। काले काले कौवे की औलाद, तखलू साला। अरे तनिक हुकुम तो दीजिए सरकार की, ये लोग बंदूकें फेंक दे। फेंक दो बंदूकें, फेंक दो, फेंको। और चलिए हाथ ऊपर टांग नीचे, चलिए नेताजी। अरे अरे ये तो साला तख्ता ही पलट गया। वाह जानेश्वर प्रसाद वाह, आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती के बेटे, आज तू क्या कर गया। हाँ तो भाइयों, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा आप लोग कहेंगे। डॉक्टर टैंक मुर्दाबाद। मेहरबान, आपके कुछ चाहने वाले हमारे मेहमान हैं, पहले इनसे मिल लीजिए। गौर से देखिए, इनके हाथ में बम स्टिक है और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और आप सब लोगों के हाथ में फुल कंट्रोल है। आप चाहें तो इन्हें मरवा दें, और आप चाहें तो इन्हें बचा लें। अब वक्त की चतुराई यही कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। Come on, be a nice boy. हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे। नहीं धर्मा, ये जंग मेरी है, तुम इसमें नहीं जाओगे, तुम्हारा काम खत्म हो। दादा ठाकुर, जिस घर में जग्गा जैसा गद्दार पैदा हो, उस घर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, वो घर ही खत्म हो जाता है। मेरा काम तो अब शुरू होगा। दादा ठाकुर, दादा ठाकुर, खैरू भैया ने ये चिट्ठी आपको। खैरू ने? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, लड़की को फेंक रहे हो, बेवकूफ स्टूपिड, आउट। देखो राधा, उनको मोहब्बत है वतन से, तुमको मोहब्बत है उनसे, और मुझको मोहब्बत है तुमसे। पहली नजर में हो जाता है। क्या है कि हिंदुस्तानी लड़की हमेशा से मेरी कमजोरी रही है, मुझे कुछ हो जाता है, छोड़ दूंगा उनको। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस एक बार, एक बार रानी बन जाओ मेरी, मजा आएगा। ओके, कॉस्ट्यूम्स। ए लड़की, तू इधर क्या कर रही है? जी जी, मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। गांव वालों का कहना है कि आप लोगों ने उन्हें कैदी बना के रखा है। मगर तुम बॉर्डर पार कर कैसे आई यहाँ पर? जी जी, वो बस वाले भैया है ना, वो मुझे लेके आए हैं। Boys, alert, come on! अंदर जो कोई भी है बाहर निकलो। दादा ठाकुर, इस हाथ से अब लौट जाओ तुलसी, जल्दी जाओ। दादा ठाकुर, जय हिंद। बाट, बाट।
सर, खैरुद्दीन की मौत हो गई है और उसकी लाश कैदियों के कंपाउंड में पड़ी है। ओके, आई एम कमिंग। बास्टर्ड। ये कौन बम फेंक रहा है? सर, कोई हिंदुस्तानी गाड़ी है। सरदार हट, छोकरे भेज इधर। हरामजादे, कमीने, भाग जाओ बहन। यहां बारूद जल्दी भेजो। चलो, यही है वो रेड टावर जिसमें बीएसओ की 90% शक्ति छुपी है। तुमसे किसने कहा? ज्ञान सिंह ने। अगर 15 मिनट में ये बिल्डिंग नहीं उड़ा दी गई तो हम सब अगर इसे उड़ा दी जाए तो टैंक की लंका उड़ सकती है। लेकिन ये बिल्डिंग उड़ाएंगे कैसे? एक तरीका है। हम बारूद के ट्रक भेज रहे हैं सर। ये सब क्या है? कम ऑन, लेट्स सी हु इज दिस। देखो ये सब कौन है? हमारा ट्रक वापस क्यों आ रहा है? भाई ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? उस साले रेड टावर को उड़ाने। क्या खेरू भाई? अरे खेरू भाई, ट्रक में तो बारूद है, उस बिल्डिंग के साथ तो हम भी उड़ जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं। नहीं नहीं खेरू भाई, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कोई दूसरी तरकीब नहीं है, तुम दोनों उधर जाओ। नहीं खेरू भाई, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसी बातें मत करो, मां दीपक सबको बचाना है। लेकिन तुम्हारी जान खेरू भाई। मेरी जान की परवाह मत करो। कोई नहीं है आगे पीछे मेरे। चनेश्वर मेरे दोस्त, तुम लोगों को अपने घर बसाने हैं, अपना वादा पूरा करना है। मेरा वादा तो यहीं तक था। ये नहीं हो सकता खेरू भाई। नहीं खेरू भाई, नहीं खेरू भाई, मेरी बात मान। गाड़ी उधर जा, उधर जा। जाने 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 खेरू भाई, तुम्हें मेरी कसम, उधर जा। नहीं खेरू भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाऊंगा। भेजो, उधर जा, उधर जा, भेजो। खेरू भाई का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे ना इन सालों को। किसी की कसम नहीं, तुम्हारे प्यार की कसम। डॉक्टर डैंग की नगरी को मिट्टी बना के जाएंगे हम, मिट्टी बना के जाएंगे। यू बास्टर्ड, तुम फौरन रेड टावर को अलर्ट कर दो और मुझे बताओ कि मेरा हवाई जहाज कब आ रहा है। 15 मिनट में सर।
डॉक्टर डैंग ने कभी हार नहीं मानी. नो नेवर. सिर्फ 15 मिनट. 15 मिनट में सब कुछ राख हो जाएगा. एवरीथिंग. सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया. ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की. ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग. क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे? तुम ये समझते हो? तुम नामुमकिन है, नामुमकिन. जब जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे. इस देश का ये तिरंगा आज तू मेरे हाथों मरेगा. गोली मत चलाना जानी, मारना मत इसे. गोली न मरवाकर बहुत अकलमंदी का काम किया राणा, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है और एक बच्चा है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है. क्या? जो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे मेरे टाइम बॉम्ब से. होश में आओ राणा, बहादुर योद्धा हो, अकलमंदी से काम लो. जाओ नीचे जहां वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा. जाओगे नहीं? जाओ. माजी का कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला बैजू. तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं.
दोनों भाई। तुमने साबित कर दिया कि कर्मों से ही इंसान बड़ा बनता है, क्या मुजरिम और क्या सिपाही, सब के सब मोहब्बत मांगते हैं त्रिपाठी, मोहब्बत। तो दीन की मोहब्बत तुमने? अरे नई जिंदगी मिली है दोनों को, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, सारा जहान वहां है। क्या मतलब दादा ठाकुर, कहां जाएंगे हम? सुन रहे हो मां जी, जब हम भागना चाह रहे थे तो हमें घर में बंद कर देते थे, फिर दूध भी पिलाते थे और डांटते भी थे, और जब हम घर में रहना चाहते हैं तो कहते हैं कि चले जाओ यहां से, सारा जहां पड़ा है। यह नाइंसाफी है राणा साहब, आपने हमें नई जिंदगी दी है पर मोहब्बत भी तो दी है, कसम खाकर कहिए कि आपने हमें सुनील अनिल कभी नहीं समझा। इधर आओ, दिख रही हो रुक्मिणी कितने चंट हैं ये दोनों,